फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाली सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोगों ने थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था और मार्जिनल प्रोडक्ट थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है इसके अंदर, वो आता है हमारा मोनोपोलिस्ट एक्सप्लोइटेशन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही। देखो, हम लोगों ने जब मार्जिनल प्रोडक्ट थ्योरी की थी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की, तब हमने क्या अजम्पशन ली थी कि हमारी जो मार्केट है वो दो मार्केट थी, एक तो गुड मार्केट और दूसरी हमारी फैक्टर मार्केट। तो गुड मार्केट और फैक्टर मार्केट दोनों में परफेक्ट कंपटीशन होता था, ठीक है। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं नेक्स्ट केस की, जिसमें हमारा क्या होने वाला है, मोनोपोलिस्ट एक्सप्लोइटेशन। ठीक है, तो मोनोपोलिस्ट जो हमारा एक्सप्लोइटेशन वाला टॉपिक है, इसमें भी हमारी अगेन दो मार्केट है, वन इज गुड मार्केट और दूसरी हमारी क्या हो जाएगी यहां पर फैक्टर मार्केट। ठीक है, तो गुड मार्केट जो है हमारी, बेसिकली गुड मार्केट के अंदर हमारा अब होने वाला है मोनोपोली मार्केट होगी, मोनोपोली। ठीक है, और जो फैक्टर मार्केट है यहां अभी भी हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। ठीक है, तो ये हम केस कर रहे हैं मोनोपोलिस्ट एक्सप्लोइटेशन का, जहां पर हमारी गुड मार्केट में हमारी मोनोपोली मार्केट होगी, फैक्टर मार्केट में हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, बाकी जो हमारी अजम्पशंस थी वो हमारी सबके सब सेम रहेंगी। क्या क्या अजम्पशन थी? फर्स्ट अजम्पशन तो यही होगी कि हमारी मोनोपोली तो है हमारी गुड मार्केट में और फैक्टर मार्केट में, देयर इज अ मोनोपोली इन गुड मार्केट एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन दी फैक्टर मार्केट। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा, वेजेस विल बी कॉन्स्टेंट, वेजेस विल बी कॉन्स्टेंट, वेजेस हमारी क्या हो जाएंगी, कॉन्स्टेंट होंगी। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है फैक्टर मार्केट में, जहां परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है वहां पे प्राइस क्या होता है, गिवन होता है, एक फर्म प्राइस टेकर होती है ना कि मेकर। लेकिन मोनोपोली जो है वो प्राइस मेकर होती है, तो इसलिए प्राइस कॉन्स्टेंट नहीं होगा यहां पर। ठीक है, बट प्राइस विल नॉट बी कॉन्स्टेंट। प्राइस वॉन्ट बी कॉन्स्टेंट बिकॉज देयर इज अ मोनोपोली इन दी गुड मार्केट, इसलिए हमारा प्राइस जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड हमारी अजम्पशन क्या होने वाली है कि सेम टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट होगी। ठीक है, फोर्थ अजम्पशन हम लोगों की क्या होगी कि हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है एक लेबर की, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन होगी। ठीक है, डिमिनिशिंग एमपीएल, और हम एक और लेते हैं, वैसे तो वो डिमिनिशिंग एमपीएल के अंदर ही कवर हो जाता है, हाँ हमें अलग से लिखने की जरूरत तो नहीं है, जिसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिफ्थ हमारा लेबर एंड कैपिटल, देयर आर ओनली टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर लेबर एंड कैपिटल, देयर आर ओनली टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट आर लेबर एंड कैपिटल, बट लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि आप लेबर को तो चेंज कर सकते हो, एक लेबर लगा ली, दो लगा ली, तीन लगा ली, चार लगा ली, लेकिन आप कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट रन के अंदर। ठीक है, यानी कि आपने अगर एक जमीन का टुकड़ा आपके पास, तो उस पर लेबर आप लगा सकते हो, लेकिन कैपिटल एक रातों रात आप एक और जमीन का टुकड़ा तो नहीं ला सकते। तो आप लेबर वेरिएबल फैक्टर है और कैपिटल हमारा फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये हमारी होगी अजम्पशन। अब अगेन एक और अजम्पशन हम लिख सकते हैं कि फर्म इज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, ये फर्म जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग है। ठीक है, अब जैसे हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के अंदर हमारा किया था, बेसिकली एक फंक्शनल फॉर्म की तरह हमने डिफरेंशिएशन किया था, यहां पर भी हम लोग वही करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट मैंने बता रखा है पाई से डिनोट होता है, जो कि होता है टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, मतलब आपने जितना आपने आपके पास पैसा आया माइनस, उसमें से अगर आप अपनी कॉस्ट माइनस कर दोगे, जो आपने उस चीज को बनाने में खर्च किया, तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट, अब टोटल रिवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, टोटल रिवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी माइनस कॉस्ट। अब हमारे पास हमने कॉस्ट खर्चा हमने किन चीजों पर किया, हमने कहा दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लगाए, एक लेबर और कैपिटल, तो इन्हीं दोनों पे हम लोगों ने खर्चा किया है, राइट।
तो हमने मान लो 10 यूनिट लेबर की लगाई और एक लेबर को हमने 100 रुपए दिए, जैसे हमने एक यूनिट कैपिटल की लगाई और उसका कॉस्ट जो थी वो 500 रुपए थी, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस टोटल कॉस्ट। कॉस्ट हमारी क्या है, दो तरह की, एक लेबर है और दूसरी कैपिटल है। लेबर को हमने वेजेस दी और कैपिटल को हम लोगों ने रेंट दिया, ठीक है। और अब जो हमारी यहां पर जो वेजेस है वो कॉन्स्टेंट है और इधर से कैपिटल कॉन्स्टेंट है और हमारा आर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो फैक्टर मार्केट है उसके अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। जो फैक्टर मार्केट यानी कैपिटल मार्केट और लेबर मार्केट दोनों में हमारा क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, तो इसलिए ये कॉन्स्टेंट है। और कैपिटल इसलिए कॉन्स्टेंट है क्योंकि हमने कैपिटल को फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना है, जबकि लेबर को वेरिएबल फैक्टर माना है, तो इसलिए लेबर कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है। अब प्राइस इज इक्वल टू पी इंटू क्यू माइनस डब्ल्यू एल, डब्ल्यू कॉन्स्टेंट प्लस सॉरी माइनस, ये माइनस का साइन बाहर है ना, इसलिए माइनस आर कॉन्स्टेंट के कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब ये जो हमारा क्यू होता है ये किस चीज का फंक्शन है, देखो जब भी हम कोई भी लाइक लिखते हैं हमारा क्यू, जैसे कि कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन मान लो मैंने लिखा, तो एल की पावर अल्फा इंटू के की पावर वन माइनस अल्फा, ठीक है, तो हमारा ये कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है। तो जब भी हम कोई भी क्यू होता है ना, जो क्यू वो हमारा फंक्शन होता है किन किन चीजों का, ये हमारा फंक्शन होता है लेबर और कैपिटल का। अगर आपके पास और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो वो भी इस फंक्शन के फॉर्म में होंगे, लेकिन हमने अजम्पशन ही लिया कि हमारे पास दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन होगा जो क्यू होगा वो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका फंक्शनल फॉर्म होगी, ठीक है, माइनस डब्ल्यू एल बार माइनस आर नोट के रूट। अब याद करो जब हम लोगों ने मार्जिनल प्रोडक्ट थ्योरी में किया था, तब हम लोगों ने क्या किया था, हमने कहा था कि पी हमारा कॉन्स्टेंट था वहां पर, ठीक है, और क्यू हमारा था, तो जब भी हमारा कॉन्स्टेंट और कोई वैल्यू होती थी, फाइव क्यू स्क्वायर है हमारे पास, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्या करते हैं कॉन्स्टेंट को यू के यू लिख लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और हमने यही किया था, हम लोगों ने फाइव पी को यू के यू लिखा और क्यू को विद रिस्पेक्ट टू एल हमने डिफ्रेंशिएट किया था, जो कि हमारा एम पी एल होता था, लेकिन वहां हमारा पी कॉन्स्टेंट था, बट यहां हमारा पी कॉन्स्टेंट नहीं है क्योंकि हमारी गुड मार्केट के अंदर मोनोपोली है। तो ये हमारा जो है ये पूरा ये क्या है टोटल रिवेन्यू, ठीक है, तो डेल पाई बाय डेल एल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल, ठीक है, तो जब हम ले टोटल रिवेन्यू को विद रिस्पेक्ट टू एल डिफरेंशिएट करते हैं तब हमारे पास आता है एम आर पी, ठीक है, एम आर पी, ये आपको याद रख सकते हो आप कि मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट, ठीक है, जब हम लोग टोटल रिवेन्यू को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल, ये पूरा क्या है टोटल रिवेन्यू, तो हमारे पास एम आर पी आता है, माइनस विद रिस्पेक्ट टू एल हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा यानी कि डब्ल्यू बार, माइनस जब कोई भी कॉन्स्टेंट को हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी रिस्पेक्ट में तो आंसर जीरो आता है, तो माइनस जीरो, ठीक है, और इस पूरे को हम क्या है जीरो के इक्वल रखते हैं, क्योंकि जब हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं हम उसको जीरो के इक्वल रखते हैं, तो एम आर पी इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, वहां से बस इतना डिफरेंस है कि वहां पी कॉन्स्टेंट होता था इसलिए हमारा यहाँ पी इंटू एम पी एल हो जाता था, लेकिन यहां पर हमारा पी कॉन्स्टेंट नहीं है इसलिए हमारा डिफरेंशिएट करने के बाद एम आर पी आएगा, और एम आर पी किसके इक्वल होता है एम आर इंटू एम पी, ठीक है, तो वेजेस जो है हमारी वो एम आर पी के इक्वल होंगी किसके अंदर, जब मोनोपोलिस्ट एक्सप्लोइटेशन की बात होगी, ठीक है, तो मोनोपोलिस्ट एक्सप्लोइटेशन में वेजेस आर इक्वल टू एम आर पी, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट हमारा किस चीज के इक्वल होता है एम आर इंटू एम पी एल। अगर हम इसको मार्जिनल प्रोडक्ट थ्योरी से कंपेयर करें तो वहां पर हमारे पास होता था वी एम पी, जो कि किसके इक्वल होता था प्राइस इंटू एम पी एल, यहां पर हमारे पास क्या है एम आर पी, ठीक है, जो कि हमारा एम आर इंटू एम पी एल, ठीक है। जब हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करते हैं, देखो अभी हम लोगों ने जो मार्केट वाला टॉपिक है वो स्टार्ट नहीं किया, देखो वैसे तो मैंने कवर करवा रखे हैं लेकिन जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाली सीरीज है उसमें अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया, तो अगर आपको बेसिक पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वहां से बेसिक देख लो, ठीक है, बाकी जब हम इसमें स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं सिलेबस के स्टार्टिंग से चल रहे हैं, तो इसलिए हमने पहले कवर नहीं किया वो, तो करेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है, जैसे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स और फिर हम मार्केट पे आएंगे। तो जब भी हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होती है, वैसे मैंने वीडियो बना रखी है परफेक्ट कॉम्पिटिशन पे, और हमारी इधर से मोनोपोली मार्केट हो,
मोनोपोली या कोई भी इम्परफेक्ट मार्केट हो, बीट मोनोपोलिस्टिक बीट ओलिगोपोली, कोई भी हो, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर हमारा ए आर इज इक्वल टू एम आर होता है, एवरेज रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है। जबकि जो मोनोपोली या कोई भी इम्परफेक्ट मार्केट होती है उसके अंदर हमारा ए आर जो है वो ग्रेटर होता है एम आर से, ठीक है। बस आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आपको मार्केट की बेसिक नॉलेज नहीं है तो हम धीरे धीरे जब आप आएंगे उस तक तो आपको पूरा समझ आ जाएगा क्यों होता है, बट अगर आपको बेसिक इकोनॉमिक्स आती है तो ये तो पता होगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ए आर एम आर के इक्वल होता है, लेकिन मोनोपोली के अंदर ए आर एम आर से ज्यादा होता है हम लोगों का, ठीक है। अब जो हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ए आर एम आर के इक्वल है और मोनोपोली में ए आर इज ग्रेटर देन एम आर, तो अब हमारा जो प्राइस होता है ना पी, वो ए आर होता है, चाहे कोई भी मार्केट हो, बीट परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, कोई भी मार्केट हो, प्राइस एवरेज रिवेन्यू के बराबर होता है, ठीक है। ये भी मार्केट वाले में हम देखेंगे, रिवेन्यू वाला चैप्टर करेंगे, कोस्ट वाला करेंगे, तो प्राइस हमारा एवरेज रिवेन्यू के बराबर होता है। अब ये जो हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यहां पर हमारा पी इंटू एमपीएल है और एक तरफ है एम आर इंटू एमपीएल, एमपीएल एमपीएल दोनों में सेम है, फर्क किसका है, पी और एम आर का, ठीक है। लेकिन हमने ऊपर ही कह दिया कि ए आर तो एम आर के इक्वल होता है, ए आर का मतलब पी, यानी कि पी तो एम आर के इक्वल होता है, ये दोनों तो है ही आपस में सेम, एमपीएल पी और एम आर भी हमें पता है इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जबकि जो मोनोपोली मार्केट है उसके अंदर एक तरफ हमारे पास क्या है, वी एमपी यानी कि पी इंटू एमपीएल, और दूसरी तरफ क्या है, एम आर इंटू एमपीएल। अब एमपीएल एमपीएल तो सेम है, लेकिन प्राइस और एम आर में बड़ा कौन सा है, प्राइस बड़ा है अभी मैंने बताया, तो ये वाला जो है बड़ा हो जाएगा, तो हमारा वी एम पी इज इक्वल टू एम आर पी किसके अंदर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर। लेकिन मोनोपोली के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, वी एम पी इज ग्रेटर देन एम आर पी, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वी एम पी एम आर पी के इक्वल होता है, जबकि मोनोपोली में वी एम पी ग्रेटर होता है एम आर पी से। रीजन सिर्फ इतना सा ही है कि उसमें ए आर एम आर इक्वल होता है, उसमें ए आर इज ग्रेटर देन एम आर होता है, ठीक है। तो ये हमारा यहां तक हो गया। अब जो हमारा ये एम आर पी कर्व है इन द इम्परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट, ठीक है। परफेक्ट जो मार्केट होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो मार्केट होती है, उसमें हमारा वी एम पी कर्व जो था वो डिमांड ऑफ लेबर था, लेकिन जो हमारी ये वाली है इम्परफेक्ट मार्केट, इसके अंदर हमारा जो एम आर पी कर्व है वो डिमांड ऑफ लेबर होगा, डिमांड कर्व ऑफ लेबर होगा, ठीक है। तो अगर ये वेजेस हैं तो इतनी लेबर एम्प्लॉयड होगी, अगर वेजेस कम हो गई तो लेबर एम्प्लॉयड ज्यादा हो जाएगी, तो उसके अंदर हमारा जो वी एम पी था वो था हमारा लेबर का डिमांड कर्व, लेकिन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमारा एम आर पी जो है वो होता है लेबर का डिमांड कर्व। अब एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है उसके लिए हमें एक और डायग्राम कर लेते हैं, ठीक है। मेन तो हमारा टॉपिक ही एक्सप्लॉयटेशन है, आप सबको इन सब टॉपिक के लिए सिर्फ एच एल ऊर्जा बुक को ही फॉलो करना है, शायद थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग के नाम से हमारा ये बुक के अंदर गिवन है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, और वहां से आप लोगों को करना है। जो थोड़ा बहुत ये जो डिफरेंशिएशन मैंने करवाया है ये सब शायद उसके अंदर गिवन नहीं है, तो वो आप ये यहां से कर सकते हो, बाकी तो बुक से पढ़ लेना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अपनी मोनोपोलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन को दिखाएंगे। अब एक और चीज आती है कि हम लोग जब इम्परफेक्ट मार्केट करते हैं तो हमारी ए आर कर्व ऐसे होती है और एम आर कर्व ऐसे होती है, ए आर एम आर, क्योंकि हमने कहा है ए आर इज ग्रेटर देन एम आर, तो ऐसे ही हमारा ये हो जाएगी वी एम पी कर्व, क्योंकि यहां पे क्या होता है ए आर इंटू एम पी एल, और ये हमारी क्या हो जाएगी एम आर पी, यानी कि एम आर इंटू एमपीएल। ये सारा डिफरेंस सिर्फ ए आर और एम आर की वजह से ही आ रहा है, बट आपको एक डायग्राम बनाते जाएंगे ये चीज ध्यान रखनी है कि ये देखो ये यहां पर गैप कम है और धीरे धीरे गैप बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों होता है क्योंकि ए आर और एम आर में पहले बिल्कुल भी गैप नहीं होता और फिर वो बढ़ता जाता है, ठीक है। और इसमें मैंने इनको टच क्यों नहीं किया जैसे ए आर एम आर में, क्योंकि ये जो हमारी रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी होती है ये कर पहले इंक्रीज होती है देन डिक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ डिक्रीजिंग पोर्शन लेते हैं क्योंकि हमने अजम्पशन के अंदर लो ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की
अजम्पशन ले रखी है, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ इसका डिक्लाइनिंग पोर्शन लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इनको बिल्कुल सेम पॉइंट से स्टार्ट नहीं करते, बट जब आप डायग्राम बनाओ तो इनको स्टार्टिंग में कम गैप होता है और लास्ट में वो गैप बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब हमारी अगर ये वेजिस है, ठीक है, तो इतनी लेबर एम्प्लॉयड होगी, ठीक है, ये लेबर एम्प्लॉयड होगी अकॉर्डिंग टू इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। लेकिन अगर वेजेस यही हो तब हमारी, अगर हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन के हिसाब से देखें, किसके हिसाब से, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के हिसाब से, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के हिसाब से हमारी लेबर एम्प्लॉयड इतनी होती L1 L2, ठीक है। अगर हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होते, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम वेजेस को VMP से करते हैं, तब हमारी लेबर इतनी एम्प्लॉयड होती, यानी कि हमारे पास ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होती। लेकिन हम लोग इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में MRP से वेजेस डिटरमाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी लेबर एम्प्लॉयमेंट है वो कम है। तो एक एक्सप्लोइटेशन तो अनएम्प्लॉयमेंट की सेंस में हो गई कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, ठीक है, किसकी वजह से, जब इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है। दूसरा हमारा एक्सप्लोइटेशन होगा वेजेस की फॉर्म में। अब हमने वेजेस कॉन्स्टेंट ली क्योंकि फैक्टर मार्केट में हमारे पास क्या था, परफेक्ट कॉम्पिटिशन था। अब इसको हम लोग पूरी मार्केट के अंदर देखें, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म की बात हो रही थी। अब हम इसको मार्केट की सेंस में अगर देखें, ठीक है, तो ये VMP, दिस इज MRP, ये हमारी होगी सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है। तो हमारा ये डिमांड कर रहा है लेबर की, किसके अंदर, मोनोपोली के अंदर, या इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, और ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर डिमांड है। तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई कहाँ आएगा, यहां, और इसके अंदर डिमांड सप्लाई के इक्वल आएगा यहां, ठीक है। अगर हम लोग उस पर्सपेक्टिव से देखें कि हमारे यहां पर मोनोपोली मार्केट है, हमारे यहां मोनोपोली मार्केट है, तो हमारी वेजेस इतनी है और लेबर एम्प्लॉयमेंट इतनी है। लेकिन अगर हमारे पास परफेक्ट कॉम्पिटिशन होती तब हमारी लेबर एम्प्लॉयमेंट इतनी होती और जबकि वेजेस हमें इतनी देते, हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, ठीक है। ये भी छोड़ो, अगर मान लो हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर, अगर हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर यही अमाउंट ऑफ लेबर अगर लगाते परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में, तब भी हम लोग उनको कितनी वेजेस पे करते, इतनी वेजेस पे करते। अगर हम देखो, वैसे तो डिमांड सप्लाई परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इक्वल आती, तो वेजेस ये होती और हमारी लेबर इतनी होती। लेकिन अगर हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन के हिसाब से भी अगर हम लोग लेबर उतनी लगाते जितनी मोनोपोली में लगा रहे, मतलब मोनोपोली में हम लोग कितनी लेबर लगा रहे हैं इतनी, और हम इतनी ही लेबर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में लगाते, तो उनको हम वेजेस कितनी देते, ये तो ये WP WM, तो ये मोनोपोली की वेज और ये किसकी वेज होगी, हमारी बेसिकली परफेक्ट कॉम्पिटिशन की वेज, और लेबर एम्प्लॉयमेंट इतनी है। तो ये जो हमारा हो रहा है ना, ये एक्सप्लोइटेशन लेबर का, उनको क्या हो रहा है, वेजेस कम मिल रही है, इतनी वेजेस लेबर को कम मिल रही है। अगर वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इतनी लेबर काम कर रही होगी तो उनको वेजेस इतनी मिलती, जबकि मोनोपोली में उनको इतनी वेजेस मिलती, तो ये लेबर का एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, ठीक है। तो रॉबिन्सन ने कहा कि भाई लेबर का तो एक्सप्लोइटेशन हो रहा है। फिर चैम्बरलिन आते हैं, चैम्बरलिन रॉबिन्सन की बात को डिक्लाइन करते हैं, बोलते हैं नहीं, एक्सप्लोइटेशन नहीं है, जब तक वेजेस एमआरपी के इक्वल हैं तब तक एक्सप्लोइटेशन नहीं होगा, अगर एमआरपी से कम जाती हैं वेजेस तब एक्सप्लोइटेशन होगा। फिर रॉबिन्सन भी एग्री हो जाते हैं कि ठीक है भाई, सही बात कह रहे हो तुम, रॉबिन्सन भी उनसे एग्री हो जाते हैं। फिर रॉबिन्सन अपनी एक बात बोलते हैं कि जो हमारी जो लेबर है ना, उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है, और वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि इम्परफेक्ट मार्केट है, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए उसको कुछ तो झेलना पड़ेगा, और वो झेलना, वो जो कॉस्ट उसको बियर करनी पड़ गया अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि मोनो जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है उसमें तो हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो सेम होते हैं, तो डिफरेंशिएटिव प्रोडक्ट चाहिए लेबर को। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए जो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी ना लेबर को, क्योंकि लेबर ही कमाने वाली है और लेबर ही खर्च करने वाली है, तो जो कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, अपनी चॉइसेस को वाइडन करने के लिए, वो लेबर को कॉस्ट पे करनी पड़ रही है अपनी वेजेस की फॉर्म में। सो वी कांट कॉल इट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, तो हम इस चीज को एक्सप्लॉयटेशन नहीं बोल सकते। तो ये बात रॉबिन्सन ने बोली, पहले रॉबिन्सन ने बोला कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, चैम्बरलिन ने बोला नहीं,
एक्सप्लोटेशन नहीं हो रहा। एक्सप्लोटेशन जब माना जाएगा जब वेजेस एमआरपी से भी कम चली जाए, अगर वेजेस एमआरपी के इक्वल है या हमारी वेजेस एमआरपी के इक्वल ही है तब हमारा एक्सप्लोटेशन नहीं हो रहा है। फिर रॉबिन्सन भी बोलते हैं हाँ सही बात है कि एक्सप्लोटेशन हमारी लेबर का नहीं हो रहा है, एक्चुअल में लेबर जो है उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स चाहिए, वो इम्परफेक्ट मार्केट में रहना चाहती है इंस्टेड ऑफ परफेक्ट मार्केट। तो जो कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है लेबर को इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर रहने की, वो अपनी लेबर को अपनी वेजेस की फॉर्म में पे कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोपोलिस्ट एक्सप्लोटेशन वाला टॉपिक कवर हो चुका है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, वो काफी सिंपल सा था, ठीक है। और हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मोनोपसोनिस्ट एक्सप्लोटेशन, ठीक है। तो उसकी वीडियो भी आपको नेक्स्ट डे यानी कि कल मिल जाएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू और कीप लर्निंग।